सलाम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हूँ मुस्फिरा नूर। और कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के कुछ उन ड्रामों पर जो माशरे का माहौल ख़राब करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान ड्रामा स्किल्स के हवाले से बहुत जाना जाता है, और वहीं कुछ ऐसे ड्रामे जिनमें अच्छे कंटेंट के साथ साथ राइटिंग एक्टिंग स्किल्स की भी बहुत कमी होती है। मोस्ट ट्रेंडिंग ड्रामा मायरी, जिसमें 12-14 साल की लड़की है और 15-16 साल का लड़का है, जिनके घर वाले शादी करवा देते हैं। पहले तो केस होना चाहिए था कि इतने छोटे बच्चों की शादी क्यों करवाई। इस ड्रामे में ये चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए थी कि पुलिस आती पूछती कि इनकी शादी क्यों करवाई, फिर चाहे वो रोते धोते कि ताया मर गया या उनकी आखिरी ख्वाहिश थी एक्स वाई जेड। ये एक परफेक्ट मोटिवेशन होती, एक रोल मॉडल बनता। वो बात अलग है कि ड्रामे में काम करने वाले एक्ट्रेस बच्चों की उम्र 21-22 तक लग रही है। खैर, इनकी शादी हो गई और ये लोग अलग अलग सोने लगे। फिर एक न्यू अपडेट आती है कि लड़की उम्मीद से है। तो पहले तुम लोगों ने क्यों उम्मीद लगा के ड्रामा प्रमोट किया कि भाई बहुत अच्छा ड्रामा है, बच्चों की शादी दिखा रहे, क्या खूब दिखाया जा रहा है। अभी साथ कौन है? जी, आपको पता भी है? फुल ट्रेंडिंग ड्रामा कर दिया। अब अगर ड्रामा सीरियस हो गया है तो लड़कियों के हुकूक याद आ गए। बहुत से ट्वीट्स ऐसे हैं जिनमें लोग इस बात को बहुत इशू बना रहे हैं। पहली बात, ऐसी चीज़ों को शुरू से ही प्रमोट नहीं करना चाहिए। अब अगर कर दिया है तो बर्दाश्त करो। फिलहाल तो ये ड्रामा अभी चल रहा है, इसकी एंडिंग क्या होती है वो बात की कहानी है। लोग कुड़ियों को पटाने के लिए तावीज़ करते हैं, मगर इस ड्रामे महबूबा के कदमों में इस लड़की शाजिया ने अरसल को पटाने के लिए ही तावीज़ कर दिया। ड्रामे में इसको काला जादू करते हुए भी दिखाया गया है और उसकी बीवी को बहुत परेशान भी। खैर, इसका अमल इस पर ही भारी हो जाता है और ये लड़की बर्बाद हो जाती है। ये ड्रामा भी प्रमोट किया गया और इसका इम्पैक्ट क्या है? एक कजन को अगर मोहब्बत हो तो उसको पटाने के लिए काला जादू कर दो। इसी तरह ड्रामा तेरा गम और हम, जिसमें 3 कजन्स की स्टोरीज होती है, 2 कजन बहनें और 1 कजन भैया। इस फुप्पो कुटनी ड्रामे में 2 की शादी हो जाती है और शादी के बाद ये लड़की अपनी बहन का घर खराब कर देती है। रुको जरा, सबर करो। आखिर में हड्डियां टूटवा के उसे पा भी लेती है। लॉजिक के हिसाब से ये ड्रामा बहुत वाहियात था। ये ड्रामा अपनी एंडिंग की वजह से फ्लॉप हो गया था, पर एक कॉमन चीज जो आजकल हर ड्रामे में दिखाई जाती है वो है बहन बहनोई के पीछे। और हर ड्रामे की एक ही डायलॉग होते हैं कि ये मेरा शोहर है, ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरा है, ये तेरा हो ही नहीं सकता और मैं तुझे इससे छीन लूंगी। अब एक ड्रामा इस प्यार के सदके। अब्दुल्ला, चावल चुनने आते तुम्हें? चावल चुनने आते हैं? तो आता क्या है बाबले? एक तो फेल हो के आगे, ऊपर से को काम भी नहीं करेगा। काम कर, चुनना सीखो। ये 2 बावले लोगों की स्टोरी थी, जिसमें इसका ससुर अपनी ही बहू पर गलत नजर रखता है और काफी तरीकों से इसे तंग भी करता है। जब ऐसे कैरेक्टर्स अदा करने के लिए इन्हें कहा जाता है तो ये स्क्रिप्ट पढ़ने को भी मना कर देते हैं कि भाई नो, हमें कोई लेना देना नहीं है हेड से, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब होता है। ये ड्रामा एक्टिंग स्किल्स के लिहाज से तो अच्छा था, पर स्टोरी वही घटिया हरकतों पर थी। ड्रामा दरार की स्टोरी भी सिर्फ 2 कजन्स पर थी। एक कजन की शादी के बाद दूसरी कजन जेलिस होकर उसके घर में घुस जाती है और फिर उसके शोहर के साथ अफेयर चलाकर शादी के बगैर उसके साथ रहने लगती है। अब इन सब में एक ही बगैरती है जिसे प्रमोट किया जा रहा है। घर में अम्माएं खुद अपनी औलाद के साथ बैठकर यह ड्रामा देखती हैं। वाहियात कॉन्टेंट जो सिर्फ माशरे को ख़राब कर रहे हैं। इस्लाम में हर रिश्ते का लिहाज किया गया है, पर इन इंसानों ने किसी भी रिश्ते को गंदा करने से नहीं छोड़ा। भाभी देवर, सुसर बहू, साली और बहनोई। अब इन राइटर से पूछा जाए कि भाई आप ये सब क्या लिख रहे हो, तो वो सीधा यही कहेंगे कि हम तो वही दिखा रहे हैं जो मुआशरे की असलियत है। इन घटिया कंटेंट वालों को बताया जाए कि असलियत आपके लिखे ड्रामों से ही प्रमोट हो रही है। करो जल्दी ना। ये ड्रामे साफ सुथरे जहन में इतना गंद भर देते हैं, पर इन्हें क्या, इनके पास तो पैसे आ रहे हैं। आपसे बस इतना कहना है कि ये बेकार स्टोरीज लिखना बंद कर दें, पर इन लोगों का यही है कि ये हम नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास पैसे जो आ रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर अगर मैं बात करूँ इन ड्रामों की, तो इनमें ऐसे हजारों सीन है जिनमें ना कोई सर है ना कोई पैर। अब एक फैमिली बैठी खाना खा रही है और एक लड़की नाराज होकर पेट अपना खाने से भर लेती है और उठ के चली जाती है, तो उसका मियाँ कहता है कि केचप भी नहीं लेके गई वो। आप लोगों को हो क्या गया है? मौका ढूंढते आप लोग मेरी जोया पर गुस्सा उतारने का। देखा आपने? अरे कैसे कल की लड़की के लिए अपने माँ बाप से लड़ रहा है। केचप भी नहीं लेके गई वो। केचप पार्टी हो रही है।
माना पाकिस्तान की मूवीज में ना लॉजिक होती है ना एक्टिंग स्किल्स, पर कुछ लोग ड्रामा इंडस्ट्री को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। क्या करूं मैं होश में आके। बेकार और घटिया कंटेंट को प्रमोट करना खत्म कर देंगे तो बेकार राइटर्स खुद ब खुद खत्म होते दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि अच्छे राइटर्स नहीं है, पर ये बकवास कंटेंट लेकर अफरा तफरी मचा कर अच्छे राइटर्स को दबा दिया जाता है। वीडियो एंड तक देखने का शुक्रिया। वीडियो को दिल फेफड़ों पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग मुझे कॉमेंट में बताएं कि कौन से ड्रामे आपको पसंद है, शर्त ये कि ड्रामे अच्छे होने चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।